सेना के लोगों को लेकर धर्म का एंगल जोड़कर तेजस्वी यादव जी का जो बयान है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान की कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, तेजस्वी जी को माफी भी मांगनी चाहिए। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सेना में जो कोई भी होते हैं वे पहले भारतीय होते हैं, तब उन्हें किसी जाति या धर्म से जोड़ा जा सकता है। भारत माँ के हर वीर सपूत के रूप में सेना के लोग देश की रक्षा सरहद पर करते हैं, अपने परिवार की चिंता को छोड़कर देश की चिंता करते हैं। जब कोई सपूत शहीद होता है तो पूरा देश नमन करता है, रोता है, लेकिन कभी राजनीति नहीं होती है। तेजस्वी यादव जी ने अपने बयानों से साबित किया है कि किस राजनीतिक शून्यता की तरफ उनकी पार्टी जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस मुद्दे पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है। देश के लोग कतई ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खास महत्व रखता है, क्योंकि इस चरण के चुनाव प्रचार में विपक्षी दलों का पर्दाफाश हो चुका है। पर्दाफाश हो चुका है कि बिहार का विकास एनडीए की सरकार ने ही किया है। बिहार की कोई खोई गरिमा को एनडीए की सरकार ने ही वापस दिलाई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहतर कार्यों और नौकरी देने का श्रेय लेने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी को होनहार पुत्र का भी पर्दाफाश हो चुका है। तेजस्वी नौकरी देने का झूठा झुंझुना बजा रहे हैं, इनका झुंझुना बिहार की जनता नहीं सुनेगी। वास्तव में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कौन काम करने वाला है और कौन बिहार को बदनाम करने वाला जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। इसलिए अब कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। एनडीए तीसरे चरण के चुनाव में निर्णायक बढ़त हासिल कर लेगा। इस चरण में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होना तय है। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।